बूम गाइस, अभी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम शॉर्ट्स फीड्स एड्स। आपका यार, मैं हूं राहुल तिवारी और आप देख रहे हैं टेक्निकल दद्दागर। हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, अभी यार यूट्यूब शॉर्ट्स की तरफ से एक गुड न्यूज निकल कर सामने आई है कि अभी फाइनली यार यूट्यूब शॉर्ट्स मोनेटाइजेशन शुरू हो गया है। अभी आप अपनी YouTube पर शॉर्ट भी मोनेटाइज कर पाओगे, लेकिन उसके लिए YouTube ने एक न्यू अपना टर्म कंडीशन बना रखा है जिसको गाइज आपको एक्सेप्ट करना ही करना पड़ेगा। अगर गाइज आपको YouTube के YPP से आपको अर्निंग करनी, यानी YouTube पार्टनर प्रोग्राम से गाइज आपको अपनी शॉर्ट को मोनेटाइज करवा के आपको उससे अर्निंग चाहिए, तो YouTube के न्यू टर्म कंडीशन को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आप अपनी जो है शॉर्ट मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर पाओगे। कैसे करना है सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की होम स्क्रीन पर और फटाफट एक्सप्लेन कर डालते हैं कि भाई अभी आप YouTube के न्यू टर्म कंडीशन को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो। और ये सबको करना पड़ेगा, अगर आपको शॉर्ट मोनेटाइज करके अगर आपको अर्निंग करनी है तब भी आपको इस टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। अगर भाई आप अपने चैनल पर लॉन्ग वीडियो अपलोड करते हो फिर भी आपको YouTube के इस न्यू टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करना ही करना पड़ेगा, तभी गाइस आप YouTube से एक अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की होम स्क्रीन पर और एक्सप्लेन कर डालते हैं कि आखिरकार आप YouTube के इस न्यू टर्म कंडीशन को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। आपको शॉर्ट्स मोनेटाइजेशन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो YouTube के YPP न्यू टर्म कंडीशन को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले गाइज आपको अपने जो है YT स्टूडियो एप्लीकेशन पर आना। यहां पर गाइज आपको YouTube की तरफ से आपको एक नोटिफिकेशन आपको फर्स्ट में यहीं पर देखने को मिल जाएगा, रिव्यू एंड एक्सेप्ट वाला। तो अभी मेरे में ये कट गया है, अगर आप में रिमूव हो गया तो ये आप कहां से आप दोबारा रिटर्न आप देख सकते हो एंड इसको कैसे आप एक्सेप्ट कर सकते हो, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर भाई आपको ये ऑप्शन मिला ही नहीं है तो कैसे मिलेगा, सब कुछ आपके साथ क्लियर करने वाला हूं। तो अभी यहां पर मैं आपको एक जो है स्क्रीन शॉट के माध्यम से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। अभी गाइज जैसे आप YT स्टूडियो एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो वहां पर गाइज आपको फर्स्ट में ये वाला नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, एक्शन रिक्वायर्ड एक्सेप्ट न्यू टर्म टू स्टे इन द YouTube पार्टनर प्रोग्राम एंड स्टार्ट अर्निंग शॉर्ट्स एंड रेवेन्यू एड्स रेवेन्यू। तो यहाँ पर गाइज आपको डिसमिस करने का ऑप्शन मिलेगा एंड रिव्यू एंड एक्सेप्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो गाइज आपको डिसमिस तो बिल्कुल नहीं करना, अगर आपके YT स्टूडियो पर ये वाला नोटिफिकेशन आया है तो आपको रिव्यू एंड एक्सेप्ट वाले पर ही क्लिक करना, क्योंकि अगर आप जो है YouTube के टर्म कंडीशन को अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो YouTube से गाइज आप अर्निंग नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर गाइज आपको YouTube के टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करना ही करना है। अगर आप गाइज से डिसमिस कर देते हो तो फिर ये हो जाता है मतलब कि आप YouTube के टर्म कंडीशन को फॉलो नहीं करते हो और आप YouTube से अर्निंग करने के हकदार नहीं हो। तो फिर गाइज आप जो YouTube से अर्निंग नहीं कर पाओगे, चाहे भाई आपका चैनल न्यू है चाहे आपका चैनल ओल्ड है, आपको ये टर्म कंडीशन आपको एक्सेप्ट करना ही करना है। उसके बाद ही आप शॉर्ट्स मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर पाओगे, फिर उसके बाद जो है अपनी आप शॉर्ट को मोनेटाइज कर पाओगे। तो कैसे अभी आखिरकार इस जो है टर्म को एक्सेप्ट करना है, YouTube के इस न्यू टर्म को कैसे आपको एक्सेप्ट करना है, इसके लिए सिंपल सा गाइज आपको रिव्यू एंड एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। अगर भाई आपने क्लिक किया था और वहां से आप रिमूव हो गए, मतलब आपने क्लिक किया उसके बाद आप हट आए, आपको समझ में नहीं आया, तब गाइज आपको जो है ये क्या होगा, ये ऑप्शन आपके YT स्टूडियो के एप्लीकेशन के आपकी होम स्क्रीन से ये ऑप्शन हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा और ये रिटर्न आपको दोबारा कहां पर देखने को मिलेगा, फिर से गाइज आप जैसे YT स्टूडियो एप्लीकेशन पर आओगे तो ऊपर गाइज आपको ये वाला नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा देखने को, रिमूव हो गया होगा। और अगर भाई आप में ये ऑप्शन देखने को मिला ही नहीं है अभी तक तो गाइज आप टेंशन मत लो, ये ऑप्शन ये टर्म न्यू टर्म कंडीशन अभी सबको YouTube भेजेगा, उसने सबको नोटिफिकेशन भेज दिया होगा और अभी आपकी मोबाइल में आपके चैनल पर आने में हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए। आप इसके लिए टेंशन मत लेना, आपको 10 दिन में 15 दिन में आपको 101% ये वाला टर्म कंडीशन मिल जाएगा, उसके बाद आप एक्सेप्ट करके आप शॉर्ट मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर पाओगे। अभी आप जैसे ही फिर से दोबारा से आप YT स्टूडियो एप्लीकेशन पर आओगे तो यहां पर गाइज आपको एक ऑप्शन राइट साइड में आपको नीचे कॉर्नर में देखने को मिलता है अर्न का डॉलर बना होता है और जस्ट नीचे आपको जहां पर मैं घुमा रहा हूं अर्न का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहां पर गाइज आप सिंपल सा क्लिक कर देना, जैसे आप यहां पर क्लिक करोगे यहां पर भी वही ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा एक्सेप्ट न्यू टर्म्स
टू स्टे इन द YouTube पार्टनर प्रोग्राम एंड स्टार्ट अर्निंग शॉर्ट्स एड्स रेवेन्यू। तो यहाँ पर गाइज आपको वही वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपल सा गाइज आपको इस टर्म को एक्सेप्ट करने के लिए रिव्यू एंड एक्सेप्ट टर्म पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे गाइज आप यहाँ पर क्लिक करते हो आपको दो टर्म दिए जाएंगे एक्सेप्ट करने के लिए। दो स्टेप में आपको इनके टर्म को जो है एक्सेप्ट करना है। तो सबसे फर्स्ट वाले टर्म पर आपको रिव्यू यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। सिंपल सा गाइज आपको रिव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपके सामने गाइज ये पेज ओपन जो है ओपन होके आपके सामने आ जाएगा। सबसे नीचे गाइज आपको लास्ट में चले आना है। यहां पर गाइज आइए एक्सेप्ट द बेस टर्म्स पर आपको टिक कर देना है। और जैसे गाइज आप ये टिक करोगे आपका ये एक्सेप्ट जो है ये ब्लू कलर का हो जाएगा। आपको सिंपल सा इस पर एक्सेप्ट कर देना है। अभी गाइज आप देख सकते हो यहां पर टिक लग के आ गया है कि मैंने इनके इस वाले स्टेप वन वाले टर्म को एक्सेप्ट कर लिया। स्टेप टू वाले टर्म को एक्सेप्ट करने के लिए आपको यहां पर रिव्यू वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। रिव्यू पर गाइज आपको क्लिक करना है। नीचे गाइज आपको यहां पर पेज देखने को मिल जाएगा। अगर आप रीड वगैरह करना चाहते हो तो आप रीड कर सकते हो। यहां पर क्या कुछ रेवेन्यू जनरेट होगा वो सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी। अगर आपको रीड करना है तो आप रीड कर लो, वरना गाइज आपको यहां पर आई एक्सेप्ट द वाज पेज टर्म्स पर आपको टिक कर देना है। जैसे आप टिक करोगे यहां पर गाइज आपका एक्सेप्ट वाला ब्लू हो जाएगा। आपको सिंपल सा इस पर क्लिक कर देना है। अभी गाइज आप देख सकते हो ये दोनों टर्म मैंने एक्सेप्ट कर लिए एंड इसके बाद यहां पर आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे गाइज आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे थोड़ा सा ये लोडिंग लेगा एंड उसके बाद गाइज बूम गाइज अभी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम शॉर्ट्स फीड्स एड्स। आपका यहां पर ये वाला ऑप्शन ओपन होके आ जाएगा और यहां पर आपको गो टर्न ऑन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि आप गाइज गो टर्न ऑन पर क्लिक करोगे आपके सामने गाइज ये वाला पेज ओपन होके आ जाएगा। यहां पर आपको आपको लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा अर्न फ्रॉम एड्स YouTube प्रीमियम इन द शॉर्ट्स फीड। आप अभी यहां पर देख सकते हो कि YouTube से आप YouTube के शॉर्ट्स से भी आप जो है उस पर एड दिखाकर अभी आप अर्निंग कर सकते हो। यहां पर गाइज सिंपल सा आपको टर्न ऑन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। टर्न ऑन पर आपको क्लिक करना है। रिव्यू शॉर्ट्स फीड्स एड्स टर्म्स आपको यहां पर शॉर्ट्स के न्यू टर्म्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इनको एक्सेप्ट करने के लिए बोला जाएगा। आपको नीचे आना है, वही दोबारा से आपको काम करना है। आई एक्सेप्ट द शॉर्ट फीड टर्म्स आपको यहां पर टिक पर क्लिक कर देना है एंड ये वाला हो जाता है यहां पर ब्लू एंड सिंपल से एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है एंड शॉर्ट्स के न्यू टर्म को आपको एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे आप एक्सेप्ट कर लेते हो अभी गाइज आप देख सकते हो वाच पेज एड्स ये जो है ये हो जाता है लॉन्ग वीडियो का एड जो आपकी लॉन्ग वीडियो पर एड दिखाए जाते हैं और शॉर्ट्स फीड्स एड्स का ऑप्शन आपको यहां पर मिल जाएगा। ये दोनों एक्टिव हुआ आपको दिखाई पड़ेगा और अभी आपको और भी कई सारे ऑप्शन यहां पर देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि मेंबरशिप देखने को मिल जाता है, सुपर्स आपको देखने को मिल जाता है, सुपर्स थैंक्स आपको कोई भी अगर भेजना चाहता है यहीं से आप उसको भी स्टार्ट कर सकते हो, शॉपिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। मतलब अभी आप यूट्यूब से आप कई तरीके से यहां पर अर्निंग कर सकते हो। वेज टू अर्न यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इतने सारे तरीके से अभी आप YouTube का जो है यूज करके YouTube पर शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग वीडियो को अपलोड करके आप अर्निंग कर सकते हो। अभी मैंने गाइस सुपर थैंक्स जो है इनेबल नहीं किया है, बहुत जल्दी मैं इसको भी अपने चैनल पर इनेबल कर लूंगा। आई होप आप लोग मुझे बहुत सारा सुपर थैंक्स भेजेंगे। एंड इसके बाद गाइस अभी आपका शॉर्ट जो है वो मोनेटाइज कैसे होगा, तो यहां पर गाइस आपने YouTube के YPP न्यू टर्म को आपने एक्सेप्ट कर लिया है, शॉर्ट्स के टर्म को भी एक्सेप्ट कर लिया है। और अभी गाइज इसकी जो शॉर्ट्स के मोनेटाइजेशन की जो क्राइटेरिया है वो ये है कि गाइज अगर आप 90 दिन के अंदर में आप यहां पर 10 मिलियन व्यूज लेके आते हो और साथ ही गाइज अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर्स आपके यहां पर हो जाते हैं फिर गाइज आपकी जो शॉर्ट्स है उस पर वो मोनेटाइज हो जाएगी एंड उस पर एड्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। आपने उनके टर्म को एक्सेप्ट कर लिया है एंड यहां पर जो है अभी आपने अप्लाई भी कर दिया है शॉर्ट्स मोनेटाइजेशन के लिए। और जैसे ही आप क्राइटेरिया कंप्लीट करते हो आपकी शॉर्ट जो है वो मोनेटाइज हो जाएगी एंड उससे आप एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे। आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। चलिए गाइस चलते हैं मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।